आज हम लोग फ्यूचर टेंस के बारे में पढ़ेंगे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फ्यूचर टेंस जो है वो चार प्रकार का होता है। पहला है आपका फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, जिसका दूसरा नाम है सिंपल फ्यूचर टेंस। दूसरा है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, जिसका दूसरा नाम है फ्यूचर इम्परफेक्ट टेंस। इसका तीसरा नाम है फ्यूचर प्रोग्रेसिव टेंस। तीसरा है फ्यूचर परफेक्ट टेंस, और चौथा और लास्ट है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब जो पहला है सिंपल फ्यूचर टेंस, आप देख रहे होंगे पहचानने का नियम है, जिस हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में गा गे गी गु इत्यादि लगा रहता है। रूल है बनाने का, सब्जेक्ट प्लस सेल विल प्लस बी वन प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल, मैं पढ़ूंगा, आई सेल रीड। नोट, देखिए आई और वी के साथ सेल लगता है, वी यू के साथ, ही के साथ, सी के साथ, इट के साथ, दे के साथ, और पुलर नंबर जो रहता है उसके साथ भी विल लगता है। अब निगेटिव देखिए इसका, मैं नहीं पढ़ूंगा, आई सेल नॉट रीड। या आप इसको ऐसे बना सकते हैं, सेल में ही नोट जोड़ दीजिए, तो आई सेंट रीड। इंट्रोगेटिव सेंटेंस देखिए, इसका रूल है पहले सेल विल लगेगा, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद आपका वी वन, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद क्वेश्चन मार्क। जैसे क्यों मैं पढ़ूंगा, सेल आई रीड, क्वेश्चन मार्क। इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव कैसे बनेगा, जैसे क्यों मैं नहीं पढ़ूंगा, तो उसी तरह सेल आई नॉट रीड या सेंट आई रीड। डब्ल्यू एच वर्ड सेंटेंस देखिए, रूल इसका है कि पहले डब्ल्यू एच वर्ड लिखेंगे, व्हाट वेट व्हाट व्हेन व्हाई हाउ जो है वो लिखेंगे, उसके बाद एक्जुलरी वर्ब सेल विल, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वी वन, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल, मैं क्यों पढ़ूंगा, तो व्हाई सेल आई रीड, क्वेश्चन मार्क। आप डब्ल्यू एच वर्ड प्लस नेगेटिव सेंटेंस देखिए, मैं क्यों नहीं पढ़ूंगा, वाई सेल आई नॉट रीड या वाई सेंट आई रीड, हो गया। नेक्स्ट है फ्यूचर कंटिन्यू, इसका पहचानने का नियम है, जो सिंधी वाक्य क्रिया के अंत में रहेगा, रहेगी, रहूंगा इत्यादि लगा रहता है। रूल है बनाने का अफर्मेटिव सेंटेंस का, सब्जेक्ट प्लस सेल विल प्लस बी प्लस वी फोर, वी फोर प्लस ऑब्जेक्ट। ध्यान दीजिए यहाँ पर बी लगेगा, जबकि सिंपल फ्यूचर में बी नहीं लगता था। एग्जाम्पल देखिए, मैं पढ़ाता रहूँगा, आई सेल बी टीचिंग। हो गया। अब आप देखिए इसका निगेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस है जैसे सब्जेक्ट प्लस सेल विल प्लस नॉट प्लस बी फोर प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल, मैं पढ़ाता नहीं रहूँगा, आई सेल नॉट बी टीचिंग या आई सेंट बी टीचिंग। इसके इंट्रोगेटिव देखिए, पहले सेल विल लगेगा, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद बी, उसके बाद बी फोर, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल, कैसे मैं पढ़ाता रहूँगा, सेल आई बी टीचिंग। इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव देखिए, पहले एक्जुलरी वर्ब सेल विल, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट, उसके बाद बी, उसके बाद बी फोर, ऑब्जेक्ट, क्वेश्चन मार्क। जैसे कैसे मैं नहीं पढ़ाता रहूँगा, सेल आई नॉट बी टीचिंग या सेंट आई बी टीचिंग। अब डब्ल्यू एच वर्ड इसका देखिए, रूल है पहले व्हाट वाई डब्ल्यू एच वर्ड सेंटेंस, फिर उसके बाद सेल विल एक्जुलरी वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद बी फोर, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल, मैं क्यों पढ़ाता रहूँगा, वाई सेल आई बी टीचिंग, फिर क्वेश्चन मार्क। डब्ल्यू एच वर्ड प्लस नेगेटिव देखिए, पहले आप व्हाट व्हेन वाई को लिख दीजिए, उसके बाद सेल विल, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट लगाइए, उसके बाद बी लगाइए, उसके बाद बी फोर, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल, मैं क्यों नहीं पढ़ाता रहूँगा, तो वाई सेल आई नॉट बी टीचिंग, वाई सेंट आई बी टीचिंग। व्हाट व्हेन वाई को पहले लिखेंगे, उसके बाद एक्जुलरी वर्ब लिखेंगे। अब आपका जो नेक्स्ट है
आचार्य का नियम है जिस हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में चुकूंगा, चुकेंगे, चुकेगा, चुका रहेगा, रहेगी इत्यादि लगा रहता है, बनाने का रूल है इसका, सब्जेक्ट प्लस सेल विल, सेल हैव विल हैव प्लस भीतरी प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल, मैं खा चुकूंगा, आई सेल हैव ईटन। नेक्स्ट नेगेटिव देखिए इसका, ये रूल वही होगा, सब्जेक्ट सेल विल, उसके बाद नॉट, तब हैव, तब भीतरी, तब ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल देखिए, मैं नहीं खा चुकूंगा, आई सेल नॉट हैव ईटन, नॉट के बाद हैव लगेगा, या इसको आप ऐसे लिखिए, आई सेंट हैव ईटन। इंट्रोगेटिव देखिए, पहले सेल विल लगेगा, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद हैव, उसके बाद भीतरी, उसके बाद ऑब्जेक्ट, क्वेश्चन मार्क। जैसे क्या मैं खा चुकूंगा, तो सेल आई हैव ईटन, क्वेश्चन मार्क। इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव देखिए, रूल सेल विल पहले, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट, उसके बाद हैव, उसके बाद भीतरी, तब ऑब्जेक्ट, तब क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल, क्या मैं नहीं खा चुकूंगा, सेल आई नॉट हैव ईटन, या आप इसको ऐसे लिखिए, सेंट, सेल में ही नॉट जोड़ दीजिएगा तो सेंट हो जाएगा, और विल में नॉट जोड़िएगा तो डब्ल्यू ओ एन कमल आएगा टी वॉन्ट, तो सेंट आई हैव ईटन। डब्ल्यू एच वर्ड देखिए इसका रूल, व्हाट वाई को पहले, उसके बाद सेल विल, उसके बाद सब्जेक्ट, भीतरी, ऑब्जेक्ट, क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल, मैं क्यों खा चुकूंगा, तो क्यों को पहले लिखेंगे वाई सेल आई हैव ईटन। डब्ल्यू एच वर्ड प्लस नेगेटिव देखिए रूल इसका, व्हाट वाई को पहले, उसके बाद सेल विल, उसके बाद नॉट, सॉरी उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट, उसके बाद हैव, तब भीतरी, तब ऑब्जेक्ट, तब क्वेश्चन मार्क, वो फॉर ऑब्जेक्ट होता है। एग्जाम्पल, मैं क्यों नहीं खा चुकूंगा, तो वाई सेल आई नॉट हैव ईटन, या इसको आप ऐसे लिखिए, वाई सेंट आई हैव ईटन। अब नेक्स्ट और लास्ट टेंस है फ्यूचर परफेक्ट। इस टेंस से आपको ऐसा बोध होगा कि जब इस टेंस के वाक्य को पढ़िएगा तो आपको ऐसा लगेगा कि कोई कार्य जो है भविष्य में कुछ समय तक जारी रहेगा, रहेगा रहेगी लगा रहता है, लेकिन भविष्य में कुछ समय तक ये काम चलते रहता है। इसका जो रूल होगा बनाने का अफर्मेटिव का, देखिए पहले सब्जेक्ट लगाइएगा, उसके बाद सेल विल लगाइएगा, उसके बाद हैव लगाइएगा, उसके बाद बिन लगाइएगा, फिर वी फॉर लगाइएगा, फिर फॉर या फ्रॉम लगाइएगा, फिर ऑब्जेक्ट। ध्यान दीजिए यहाँ पर फ्रॉम लगता है, सिंस नहीं लगता है। फॉर का यूज वहाँ होता है जो अनिश्चित है, जैसे चार दिनों से, चार घंटों से, यह अनिश्चित नहीं है, और यहाँ पर निश्चित है पॉइंट ऑफ टाइम, जैसे 1990 से, सोमवार से, ये सब निश्चित है, तो वहाँ पर फ्रॉम का यूज होगा। एग्जांपल देखिए, मैं 1999 से आपका इंतज़ार करता रहूँगा, तो आई सेल हैव बीन वेटिंग फॉर यू फ्रॉम 1999। यहाँ पर फ्रॉम इसलिए लगाए हैं क्योंकि 1999 एक निश्चित है, देख रहे होंगे सिंस का यूज इसमें नहीं होता है, फ्रॉम का यूज होता है। नेगेटिव सेंटेंस का रूल देखिए, इसमें सब्जेक्ट सेल विल को लगी है, उसके बाद नॉट लिखिए, उसके बाद हैव बीन लिखिए, उसके बाद बी फॉर, उसके बाद वो फॉर फ्रॉम, उसके बाद ऑब्जेक्ट। एग्जांपल, मैं आपका 1999 से इंतज़ार नहीं करता रहूँगा। एग्जांपल देख रहे होंगे आप, देखिए कैसे, आई सेल नॉट हैव बीन, नॉट के बाद हैव बीन लगेगा, वेटिंग फॉर यू फ्रॉम 1999। इंट्रोगेटिव देखिए इसका रूल, सेल विल को पहले लिखिए, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद हैव बीन लगाइए, फिर बिफोर, फिर उसके बाद फॉर फ्रॉम, ऑब्जेक्ट, उसके बाद क्वेश्चन मार्क। एग्जांपल देखिए, क्या मैं आपका 1999 से इंतज़ार करता रहूँगा, तो इसको आप ऐसे बनाइए, सेल आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू फ्रॉम 1999, उसके बाद क्वेश्चन मार्क। इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव देखिए कैसे बनेगा, क्या मैं आपका 1999 से इंतज़ार नहीं करता रहूँगा, तो सेल आई नॉट हैव बीन वेटिंग फॉर यू फ्रॉम 1999, नॉट के बाद हैव बीन लगेगा यहाँ पर। डब्ल्यू एच वर्ड देखिए इसका रूल, व्हाट वाई को पहले लिखिए, उसके बाद सेल विल को लिखिए, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद हैव बीन, उसके बाद बी फॉर, उसके बाद फॉर फ्रॉम, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल, मैं क्यों 1999 से आपका इंतजार करता रहूँगा, वाई सेल आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू फ्रॉम 1999, लिख लिए। अब देखिए आप इसका डब्ल्यू एच वर्ड प्लस नेगेटिव सेंटेंस का रूल, व्हाट वाई को पहले, उसके बाद सेल विल को लिखिए, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट लिखिए, उसके बाद हैव बीन लिखिए, उसके बाद बी फॉर लिखिए, उसके बाद फॉर या फ्रॉम लिखिए, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल, मैं क्यों 1999 से आपका इंतजार नहीं करता रहूँगा, वाई सेल आई नॉट हैव बीन वेटिंग फॉर यू
फ्रॉम 1999 या आप इसको ऐसे बनाइए, सेल में ही नोट जोड़ दीजिए, वाई सेंट आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू फ्रॉम 1999। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।